ट्रिक्स। हेलो दोस्तों, स्टार भी एग्जाम ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। और दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम शेड्यूल 28 दिसंबर का आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया है। इसके माध्यम से आज हम 100% रियर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो वहां के माध्यम से बच्चों के माध्यम से पता चला है, तो आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो आगे आइए देखते हैं दोस्तों गुड एट क्या रहते हैं पेपर के, फर्स्ट पेपर का। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसी कैसी एबिलिटी बनती है इसमें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। 28 दिसंबर फर्स्ट पेपर यहाँ पे आपको दिखा है। लगभग इसमें बच्चे आपको करके आए हैं 75 से 85 क्वेश्चन करके लोग आए हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं, इसको आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उसके आगे, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 100% रियल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आप 75 से 85 क्वेश्चन आप करेक्ट करके ही आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। RRB NTPC 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, इसमें एक क्वेश्चन आया था GS से। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है यहाँ पे कलर, ठीक है। और सुकन्या दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये आप जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना किससे है, बालिका विकास के अधिनियम आता है, तो इसको आप बता सकते हैं। एक आया था मतलब सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह सबरीमाला मंदिर टेंपल कहाँ पे है, तो यह सबरीमाला मंदिर टेंपल केरला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अधिनियम कब आया। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक से है कि पर्यावरण से एक इससे या दो क्वेश्चन आपके फिक्स आएंगे, तो इसको आप जरूर से जरूर देख के जाइएगा। और यह आइसोलेटेड मिनिस्टर कैटेगरी में भी देखा गया था, जो एग्ज़ाम इन्होंने करवाया था, इसके माध्यम से वहाँ पर भी पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है पर्यावरण अधिनियम कब आया, 1986 में आया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, मंगल विसर कब लॉन्च हुआ था। तो यह आपको मालूम होगा कि 2014 में लॉन्च हुआ था। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो में इरिटेटिंग होगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। और मंगल मिशन तो आप जानते हैं 2014 में लॉन्च हुआ था। साउंड वेव किसमें नहीं पास होती है, तो आप लोग जानते हैं निर्वात में नहीं पास होती है, सॉलिड में सबसे अच्छा होता है, लिक्विड होता है, उसके बाद गैस, सबसे अच्छा सॉलिड में पास होती है। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, ओल्ड नहीं युवा राष्ट्रपति, तो अभी कौन है, संजीव रेड्डी जी हैं। कौन जी है, संजीव रेड्डी, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति कौन है, संजीव रेड्डी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संजीव रेड्डी, आप इसको कर सकते हैं। तो जो भी चैनल में नए हैं दोस्तों, वह मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर लिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा कि मैं रेलवे का पल पल अपडेट कैसे डालता हूँ। भारत के अभी देखा है लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप लोगों को मालूम होगा कितनी है, पहले 550 थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसको कितना कर दिया गया, 552 सीटें कर दिया गया। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552, जो CM के अधीन नहीं आती है और न गवर्नमेंट के अधीन आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, लोकसभा के माध्यम से होता है, इसमें 552 सीटें आती हैं। इसमें पूछा गया है 2020 बायो डाइवर्सिटी यानी पर्यावरण, मैंने बोला था दोस्तों कि एक दो प्रश्न अनिवार्य होंगे आपके पर्यावरण से आने ही आने हैं, पॉलिटी से दो भी प्रश्न आए थे वो अनिवार्य कर दिए गए। तो इन्वायरमेंटल डे पूछा है इसमें, 2020 में इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। तो और दूसरा है खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो आप लोगों को मालूम है खालसा पंथ की शुरुआत किसने की है, गुरु गोविंद सिंह जी ने, किसने की है, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इस टाइप से इतना इजी क्वेश्चन आया है कि हम क्या बोल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो अगर द्रव्यमान मास पूछा है तो मास पृथ्वी पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन अगर यहीं पर वेट कर देता यानी भार पूछ लेता, तो यहाँ पे इसका भार कितना होता है, 6 गुना, तो वहाँ पे कितना भार होगा मून पे, तो 1/6 होगा, कितना भार होगा,
है 1/6 बार होगा, ठीक है। और इस तरह से आप क्वेश्चन देखें कितना इजी आया है, आप इसको कर सकते हैं आसानी पूर्वक से, ठीक है। अगर मास पूछा है तो वहाँ पे 60 kg होगा, अगर यह मतलब वेट पूछता तो 1/6 कर देते, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिनाका मिसाइल से प्रश्न पूछा था, तो ये किसने लॉन्च किया था पिनाका मिसाइल? तो अपनों को पता है रॉकेट का माध्यम है, DRDO से लॉन्च हुआ था, ठीक है। लॉन्च कहाँ से हुआ था? DRDO से लॉन्च हुआ था, या पिनाका से ही लॉन्च हुआ था, वहाँ पिनाका से लॉन्च हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट नहीं आता है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपका कौन सा नहीं आता है? सिक्किम नहीं आता है। लाइकेन से एक प्रश्न बायोलॉजी का दिया हुआ था, जीव किस वर्ग के हैं? तो लाइकेन के आप लोगों को जीव बताया गया है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि लाइकेन से कितने से प्रश्न बायोलॉजी से दिया हुआ है कि जीव किस वर्ग से आया है, तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बायो से 1-2 प्रश्न आया था, ज़्यादा प्रश्न नहीं आया था, और कंप्यूटर से आपका 2-3 प्रश्न आना आपको बताया गया है, और यह बेसिक कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, यानी ब्रेन किसे कहते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। CPU क्या होता है? उसमें CPU होता है, ठीक है। और एक आया था, दक्षिण अफ्रीका में 2 स्थलरुद्ध देश, 2 लैंड लोकल कंट्री कौन से हैं? स्थलरुद्ध देश कौन से हैं? तो इसमें आगे तक क्वेश्चन देखेंगे, बोलाविया यह है नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में बोलाविया, दक्षिण अमेरिका में। तो स्थलरुद्ध कहाँ पे? सेरिकल्चर से आप सेरिकल्चर इज वेड फॉर सिल्क, तो मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशम, सेरिकल्चर का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? रेशम का अध्ययन किया जाता है, यानी रेशम को सेरिकल्चर के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, तो सेरिकल्चर, एपिकल्चर, पीसीकल्चर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1-2 प्रश्न अनिवार्य है। कंट्री नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें देखिए पूछा है त्रिभुजों की संख्या है, रीजनिंग का एक पार्ट दिया है, मैंने अपने इस वेब सीरीज में दिया गया है, मैंने बताया भी है काउंटिंग ऑफ फिगर का, आप स्क्वायर का, ट्रायंगल का सब देख सकते हैं वहाँ पे। तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप अभी भी जा करके मेरे चैनल में आप काउंटिंग ऑफ फिगर का वीडियो को, लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं मैथ्स में क्या क्या पूछे गए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कितने आए हैं। तो अप्रॉक्सिमेटली आपको इसमें मतलब 23 लाख बच्चों में यह एग्ज़ाम सेंटर कराया गया है, जिसमें से आपको 30 में से बच्चे 27 या 28 करके ही आ रहे हैं। तो है सुनो, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं, स्पीड और ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो मेन आप देख सकते हैं सब चीज़ें बेसिक आ रही हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, CISI से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, देखने को मिला है बच्चे बता रहे थे वहाँ पे। प्रॉफिट लॉस से भी 1 क्वेश्चन आया था, स्पीड डिस्टेंस ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला था, और रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन वहाँ से भी मिले थे, ठीक है। और परसेंटेज का 1 क्वेश्चन देखने को मिला, अलजेब्रा से 2-3 प्रश्न पूछे थे और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो मेंसुरेशन से भी 3 क्वेश्चन आए हैं, तो आप मैं मान सकता हूँ बेसिक चीज़ें हैं, इसमें से आप 30 में से कम 25 या 26 क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब मतलब कहा जाए पेपर एकदम ईजी तरीके से पूछा गया है। मेंसुरेशन से आप लोगों को लगभग त्रिभुज का परिमाप और वर्ग की भुजा यही सब पूछा था उसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं रीजनिंग में आप एनालॉजी से 2-3 प्रश्न आया था वहाँ पे मॉडरेट का, और सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था, फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन आप देख ही बताया मैंने उसमें, ट्रायंगल से पूछा गया था, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कैलेंडर और क्लॉक से, यानी घड़ी से और कैलेंडर से आपका क्वेश्चन 1 भी नहीं आया था। तो फिगर आप कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन आया था, तो इसमें मान के चलिए आप 30 में से कम 20 या 22 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, तो ठीक है। तो आप जो भी मेरे चैनल में नए हैं, जो लोग नए लोग जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल घंटे का निशान जरूर दबाइए, तो आप लोगों को ये अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 100 में से 70-80% मार्क्स सही होने चाहिए, यानी सर्टेन होने चाहिए। अगर इसमें माइनस भी हो रहा है तो आप देख सकते हैं,
तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते रहिए और मेरे चैनल तक बने रहिए पल पल अपडेट के लिए। थैंक यू दोस्तों।